हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन एजो डाटा फैक्ट्री सीरीज। आज के वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफॉर्म डाटा एक्टिविटीज क्या, किस तरह के होते हैं, और कुछ का ओवरव्यू बताऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। जस्ट डिटेल में हम लोग कवर करेंगे सारे एक्टिविटीज को, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। If I show you here, बस मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कॉपी डेटा एक्टिविटी है, डाटा फ्लोज है, डाटा फ्लोज के बारे में कवर करेंगे बाद में। डाटा फ्लोज जनरली हम लोगों का इस्तेमाल होता है जैसे कोई आप ज्वाइनिंग काइंड ऑफ स्टफ, जैसे आपने लिंक्यू अगर पढ़ा होगा, लिंक्यू में ज्वाइन करते हैं हम लोग, सीक्वल सर्वर में भी ज्वाइंस होते हैं, तो मैं यहाँ पे भी उस तरह से ज्वाइनिंग ज्वाइन काइंड ऑफ स्टफ अगर मेरे को इस्तेमाल करना है तो मैं डाटा फ्लोज का इस्तेमाल करूँगा। कोई दो फर्ज का भी दो फाइल है मेरे को, दो फाइल को उसमें से कुछ मैचिंग डेटा को मैं इनर ज्वाइन करना चाहता हूँ, इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉलम्स सो आई कैन यूज द डेटा फ्लो। कॉपी डेटा एक्टिविटी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। एज्योर का फंक्शंस की बात करूँ, एज्योर फंक्शन आपको पता है, ये एज्योर फंक्शन जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को, या तो कोई ईमेल सेंड करने के लिए काम आ सकता है, कोई फंक्शन ऐप मैं क्रिएट कर सकता हूँ ईमेल सेंड करने के लिए, मैं किसी का लास्ट मॉडिफाइड डेट मेरे को चेक करना है जेन टू एनवायरनमेंट में, तो मैं एज्योर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज्योर फंक्शन में, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता फाइल, लास्ट मॉडिफाइड डेट, दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैं अपना लॉजिक भी कुछ ऐसे बिल्ड करना मैं कर सकता हूँ। या डाटा ब्रिक्स में आते हैं, डाटा ब्रिक्स का बताता हूँ। डाटा फिक्स ट्रांसफॉर्म डेटा एक्टिविटी में बहुत अच्छे से काम आता है। तो मैं, ये मेरा पोर्टल है, इफ़ सीधा एज्योर पोर्टल ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे आप तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में एच डी इनसाइट्स हाइप एक्टिविटी, एच डी इनसाइट्स पिक एक्टिविटी, एच डी स्ट्रीमिंग एक्टिविटी, स्पार्क एक्टिविटी काइंड ऑफ स्टफ, एम एल स्टूडियो क्लासिक, अपडेट रिसोर्स काइंड ऑफ स्टफ है यहाँ पे, स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी है, डाटा लेक एनालिटिक्स, यूएसक्यूएल एक्टिविटी। यूएसक्यूएल एक्टिविटी होता है, यूएसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। .NET कस्टम एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं। रियल टाइम सिनेरियो में मैं बताऊं आपको, इतने सारे एक्टिविटीज आप एक ही जगह पे नहीं इस्तेमाल होंगे, कोई एक पाइपलाइन में आप कुछ हो सकता है, जैसे आपका कोई यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी यूज हो जाए, एज्योर फंक्शन काइंड ऑफ स्टफ यूज हो जाए, और बाकी डाटा ब्रिक्स भी हो सकता है यूज हो, नॉट नेसेसरी डाटा ब्रिक्स यूज हो या ना, पता है इट्स नॉट नेसेसरी। पर ये जो मैंने पहले जनरल एक्टिविटीज के बारे में बताई थी, इसमें से मैक्सिमम एक्टिविटीज आपका इस्तेमाल होने वाले जनरल में लुकअप है। हाँ, लुकअप एक्टिविटी हमेशा यूज होता है। मैं बताऊँ ना, आपके कोई भी पाइपलाइन बनाएंगे, अगर आप पाइपलाइन में लुकअप एक्टिविटी नहीं है तो आई डोंट थिंक काम करेगा कुछ ऐसा। लुकअप एक्टिविटी तो होगा ही होगा, मैक्सिमम पाइपलाइन की बात करूँ मैं, लुकअप एक्टिविटी एक्टिविटी होती है जो हमेशा यूज होती है। तो नोटबुक एक्टिविटी आपको पता है, नोटबुक एक्टिविटी क्यों इस्तेमाल होती है, कोई भी एक नोटबुक क्रिएट करने का काम आता है, इसमें आप अपना पाइथन हो गया या फिर आर एस क्या आर स्पार्क सीक्वल, इन सब का इस्तेमाल करके कोई एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं जो आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करे। मीन्स लाइक कोई सी एस बी फाइल है, उसको मैं बारकेट में कन्वर्ट करता चाहता हूँ या फिर डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वाइसा वर्सा बहुत सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं, जैसे बारकेट होती है, डेल्टा होता है, सी एस बी होता है, डैट होता है, टी एक्स टी होती है, बहुत सारे तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ है जो डाटा ब्रिक्स पे एक लिंक सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, वेर तो जो डाटा ब्रिक्स वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप क्लस्टर इनिट पाथ क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या होता है, क्लस्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग जब हम लोग एज्योर डाटा ब्रिक्स सीरीज को फॉलो करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू वीडियो है कि क्या 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 एक्टिविटीज होती है ट्रांसफॉर्म डाटा एक्टिविटी क्या क्या होते हैं। उस तरह से पाइथन का नोटबुक के लिए पाइथन का यूज होगा। जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये नोटबुक ही इस्तेमाल करते हैं ये नोटबुक वाले एक्टिविटी को, पाइथन आई डोंट थिंक सो। पाइथन और जार जनरल केस में आई थिंक, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, आप ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी
ये यू स्किल था, इसमें एडीएल अकाउंट और स्क्रिप्ट क्या है वो आप डालना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिंक सर्विस और ये। तो इस वीडियो में जाना क्या ट्रांसफॉर्म डेटा एक्टिविटीज किस तरह के होते हैं और जनरल सिनेरियो में क्या क्या इस्तेमाल होता है, आपका कितने क्या 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 इस्तेमाल होता है जो मैंने बताया। सिर्फ जनरली आप डाटा ब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा आप एज्योर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कुछ ईमेल सेंड करने के लिए काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। वेब एक्टिविटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टरनेटिव में एज्योर फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत सारी सीरीज चल रही है, आप जो जो सीरीज आप फॉलो करना चाहते हैं वहां पे जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है सारे सीरीज के लिए, ASP.NET के लिए अलग है, CSS की अलग सीरीज है, बुक स्टोर API वाली अलग सीरीज है, और एज्योर और डाटा फैक्ट्री की अलग सीरीज है। तो इस वीडियो में इतना ही था, टिल देन बाय।